हाय एवरीवन, वेलकम टू ममाज एंड बेबीज। फ्रेंड्स, आज हम फिर लेके आए हैं ओट्स की एक न्यू यमी हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी। फ्रेंड्स, आप ये अपने बेबी के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बेबी को बहुत पसंद आने वाली है। जैसे कि हमने अपने चैनल पे बहुत सारी ओट्स की रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर रखी हैं और मैंने आपको बता रखा है कि ओट्स बहुत ही हेल्दी रहता है बेबी के लिए। इसमें बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेबी के लिए बहुत ही सुपर हेल्दी रहती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ओट्स की पहले जितनी सारी रेसिपी शेयर की वो सब आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमने गैस पर रख दी थी कढ़ाई और उसमें हमने डाल लेना है 1 टेबल स्पून घी। फ्रेंड्स, हम ये 1.5 साल के बेबी के लिए बना रहे हैं, यानी कि 1.5 ईयर ओल्ड बेबी के लिए बना रहे हैं। अगर आपका बेबी 1 ईयर अबव है तो आप ये जरूर बेबी के लिए बनाएं। इस तरह से मैंने एक फ्राइड दलिया रेसिपी भी बनाई थी, आपको याद होगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने इसमें 1/2 टेबल स्पून डाल दिया था जीरा और इसके साथ ही हमने डाल ली थी 1 पिंच हींग। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने क्या डालना है, इसके बाद हमने डालना है करी लीव्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास फ्रेश करी लीव्स है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ड्राई करी लीव्स जो प्रिजर्व करके रखती हैं वो डाल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हमने फ्राइड दलिया रेसिपी भी बच्चे के लिए शेयर की थी, इसी तरह से ये ओट्स की खिचड़ी रेसिपी है। ये बच्चे के लिए बहुत हेल्दी रहती है और जैसा कि मैंने ओट्स में बताया, ओट्स में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो बेबी के लिए बहुत ही हेल्दी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें 1 मीडियम साइज़ अनियन यानी कि प्याज जो अच्छे से चॉप्ड हुआ था, कद्दूकस किया हुआ था। इसके बाद मैं अगेन इसमें डालूंगी 1 मीडियम साइज़ टोमेटो, वो भी बहुत अच्छे से चॉप्ड था। इसके बाद हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करके अच्छे से इसकी सिकाई कर लेनी है 2-3 मिनट्स के लिए। इसके बाद बारी आती है इसमें मसालों की यानी स्पाइसेस की। तो इसमें हमने डाल दी थी 1 पिंच हल्दी और इसी के साथ हमने डाल दिया था 1 पिंच धनिया पाउडर। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें, आप अपने बेबी को जो मसाले देती हैं वो इसमें ऐड करें। अगर आप मिर्ची यानी कि आपने शुरू कर दिया तो आप दे सकती हैं, मैंने अपनी बेबी को अभी शुरू नहीं किया है इसलिए मैंने नहीं डाला। इसके अलावा मैंने इसमें डाल दी थी 1 पिंच नमक, वो आप अपने बेबी के टेस्ट के अनुसार इसमें डाल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको अगेन इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से सिकाई कर लेंगे और फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसमें ओट्स डालेंगे। अगर आप हो सके तो बच्चे के लिए जो ट्रेडिशनल टाइप के पुराने ज़माने में जो ओट्स आते थे जो बहुत जल्दी कुक नहीं होते, तो आप वही ओट्स बेबी के लिए लें, वो हेल्दी होते हैं। इंस्टेंट कुक होने वाले ओट्स थोड़े इतने बेबी के लिए ठीक नहीं होते। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने 1/2 कप इसमें ओट्स डाल दिए थे, चूँकि 1.5 ईयर ओल्ड बेबी के लिए, अगर 1 साल के बेबी के लिए बना रहे तो इससे थोड़ा कम ले सकते हैं, 2-3 साल के बेबी के लिए बना रहे तो इससे ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद हमने डाल दिया है इसमें 1/2 ग्लास वाटर यानी कि 1/2 ग्लास पानी। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें हमेशा कि जब आप अपने बच्चे के लिए ओट्स बना रही हैं तो बिल्कुल आप अपने बच्चे को बहुत सारी रेसिपीज इसमें ट्राई कर सकती हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैंने ओट्स की खीर, ओट्स की खिचड़ी, ओट्स बनाना, ओट्स पम्पकिन, ओट्स विद एप्पल, बहुत सारी रेसिपीज़ अपने चैनल पर इसीलिए शेयर की क्योंकि ओट्स बच्चे के लिए बहुत हेल्दी रहता है। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसको रख देना है ढक के और फ्रेंड्स, ये इसको पकने में 10 से 12 मिनट लगेंगे, तो हम बीच बीच में इसको देखते रहेंगे कि ये कहीं नीचे से चिपक तो नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको मीडियम फ्लेम पे आराम से सेक सकती हैं और 10 से 12 मिनट में हमारे ओट्स बनके तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको 1-2 बार इसको बीच में चेक इसलिए करना है ताकि वो नीचे चिपक ना जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, अब हमारी 10-12 मिनट कंप्लीट हो चुके, तो हमने गैस को बंद कर दिया और हमने ओट्स को निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा ओट्स कितना बेहतरीन बना है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आप ये वाली रेसिपी अपने घर में अपने बेबी के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारी ओट्स की रेसिपीज़ ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई हैं, तो आप वो वाली रेसिपीज़ भी ज़रूर देखिएगा और अपने बच्चे के लिए बनाइएगा। और इसी तरह की बहुत सारी यमी और डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए आप मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।